हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद स्वारिका में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मावा या खोया। जैसे ही त्यौहार आने लगते हैं मार्केट में मावा बहुत ही मिलावटी मिलता है, तो अगर आप शुद्ध मावा घर पे बनाना चाहते हैं और मेहनत भी कम करना चाहते हैं तो इस इंस्टेंट मावा की रेसिपी को ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो मावा के लिए मैंने यहाँ लिया 2 टेबलस्पून देसी घी, 1/2 कप मिल्क और 1 कप मैंने लिया मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने एक पैन हीट कर लिया, इसमें ले रही हूँ मैं 1/2 कप मिल्क और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून देसी घी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएगा। तो आप मिल्क पाउडर कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाइए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो लगातार चलाते रहिए जिससे बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं आएगा। तो अब देखिए सारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ी बहुत जो इसमें लम्प्स आ रहे हैं उसको स्पैचुला से मिक्स करते जाइए, जिससे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो अब देखिए ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, तो हमें स्पैचुला को लगातार चलाते रहना है और 1 से 2 मिनट में ये थिक होने लग जाएगा। तो अब देखिए ये थिक होने लग गया है। तो इस समय हमारी फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रहेगी, हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा और इसमें स्मेल आ जाएगी। तो अब देखिए ये कितने अच्छे से थिक हो गया है, साइड भी छोड़ने लग गया है। तो 1 से 2 मिनट और भूनेंगे और हमारा मावा हो जाएगा रेडी। तो देखिए कितनी इजीली और कितने फटाफट से ये मावा रेडी हो जाता है। तो आप कभी भी इसे 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं और कोई भी मिठाई बनाइए, कोई भी हलवे में डालिए, गुलाब जामुन या कुछ भी बनाइए, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और त्योहारों में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम दूध जला के बहुत सारा मावा बनाएं, तो ये फटाफट इंस्टेंट मावा की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इससे कोई भी मिठाई बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए मिनटों में मेरा मावा हो गया है रेडी। तो मैं इसे एक बोल में निकाल ले रही हूँ और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। तो अब ये मावा बिल्कुल ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, देखिए कितना दानेदार ये मावा बना है, बहुत ही स्मूथ और दानेदार मावा है। तो इस मावे की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर विज़िट करिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।